नमस्कार, आज मैं बना रही हूँ पनीर पायसम। तो इसके लिए हमने लिया है पनीर, ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, चीनी, दूध मैंने आधा किलो लिया है, कुछ मैंने केसर के धागे लिए हैं और इलायची, इनका हम पाउडर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने रखते हैं। अब मैंने एक भगोने में दूध रख लिया है और गैस को ऑन कर लेते हैं। दूध में उबाल आने देते हैं। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब ड्राई फ्रूट्स को भी मैं छोटा छोटा काट लूँगी और इलायची का पाउडर बना लूँगी और केसर को दूध में भिगो लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब इसे हम 7 से 8 मिनट ऐसे ही खौला लेंगे। अब इसमें डाल लेते हैं हम केसर के धागे, ये मैंने दूध में भिगो लिए थे, कद्दूकस की हुई पनीर। और इसमें एक उबाल आने देते हैं। अब इसमें उबाल आ गया है तो गैस की फ्लेम को हम कम कर लेते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिन्हें मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैंने किशमिश, कुछ बादाम और काजू लिए, वो इसी में डाल लूँगी। अब इसे हम दो दो तीन तीन मिनट पे चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे और गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब ये देखिए, ये गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे हम ये इलायची पाउडर और ये चीनी। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम दो तीन मिनट पका लेंगे जिससे कि हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसके बाद हम गैस को ऑफ कर लेंगे। तैयार है हमारा पनीर पायसम। तो इसको ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसे आप ठंडा करके सर्व करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।